Good afternoon, class. Today we are back with a new and an interesting chapter that is plant and animal food. हम humans का हम लोगों को पता है कि हम लोग खाना खुद बना लेते हैं. We prepare it in kitchen या फिर हमने मम्मा को देखा है. She cooks food for us. But plants और animals कैसे खाना बनाते हैं वो हम लोग आज discuss करेंगे. Plant कैसे खाना बनाता है? Through the process of photosynthesis. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ फूड. लाइट के थ्रू खाना बनना सनलाइट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर प्लांट्स. मूविंग ऑन कि कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. द फर्स्ट वन इज CO2. CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? थ्रू अस. हम लोग इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड बाहर एक्सहेल कर रहे हैं CO2. वो CO2 प्लांट्स अपनी तरफ खींचते हैं और उनके पास जाता है. वाटर हम लोग प्लांट्स को करते हैं, हम लोग प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज सनलाइट. सनलाइट सूरज की किरणें पड़ती हैं. एंड लास्ट वन इज क्लोरोफिल जो ऑलरेडी प्रेजेंट है लीव्स में. दे ऑल कंबाइन एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो वो बाहर दे देते हैं दैट वी इनहेल, बट ग्लूकोज एक स्टोमाटा में वो स्टोर हो जाता है. दैट इज स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ द प्लांट. तो कहाँ से मिल रहा है उनको? थ्रू सनलाइट. And the presence of chlorophyll is must obviously green plants. All green plants contains chlorophyll. And moving on to the nutrients part, plants को nutrients कहाँ से मिलता है? Plants को nutrients मिलता है उनकी soil से. हम लोग add करते हैं fertilizers to the soil and वो carry करते हैं plants through xylem and phloem vessels. एंड वो सारी लीव्स तक पहुँचता है और फ्रूट तक इवन, जो इवन हम लोग भी तोड़ कर कंज्यूम करते हैं. एंड इवन एनिमल्स डू सच थिंग्स. द नेक्स्ट वन इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स के पास तो क्लोरोफिल होता है सो प्रिपरेशन ऑफ फूड इज ईजी. बट नॉन ग्रीन प्लांट्स का क्या? जैसे मशरूम्स एंड मोल्ड्स, वो अब तक फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो जैसे फंगाई हम लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है, मतलब देखा भी है. फंगाई जैसे ऊपर लग गई, किसी भी फूई लग गई किसी भी फूड पर, तो वो अपनी न्यूट्रिएंट्स अपनी सब चीज़ें अपना फूड वहाँ से कैरी ऑन करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं, पर प्लांट्स भी एनिमल्स को या फिर इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ऐसा भी होता है. The example of such plants are pitcher plant and Venus fly trap. अगर उसकी leaves ऐसी होती हैं कि अगर उस पर कोई भी मच्छर आकर बैठा तो वो एकदम से उसको grab कर लेता है. If eat it all, वो उसका खाना होता है तभी उसको nutrition provide हो पाता है. Moving on to the next part, that is animals. Animals को खाना कैसे मिल रहा है? How are they getting their food? हम लोगों को पता है नॉर्मली हर्बीवोरस प्लांट्स क्या, हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. वो प्लांट्स के पास जाते हैं, दे ईट इट. और ये एनिमल्स जो भी होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं. एक एनिमल ऐसा हो गया जो प्लांट्स खा रहा है, वो हुआ हर्बीवोरस. जो एनिमल्स को खा रहा है वो हुआ कार्निवोरस. वो दूसरे एनिमल्स को पकड़ कर खा जाता है. द नेक्स्ट वन इज ओमनिवोरस. दे ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. कुछ भी मिला, प्लांट मिला या एनिमल मिला, दे ईट इट ऑल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? वो खुद नहीं मारते एनिमल्स को, कोई और एनिमल उनको मार्केट चला जाएगा, वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. दैट आर स्कैवेंजर्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर एनिमल एंड प्लांट फूड. वी विल नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फूड चेन. फूड चेन क्या है?
फूड चेन वो सीरीज हो गई जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। फर्स्ट वी कैन सी फूड चेन कैसे कैसे बन रही है, ग्रास दैट इज अ प्लांट, वो कौन खाता है, ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने एंड स्नेक को ईगल ने। तो सब एवरी वन हेयर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर वन, तो वो एक साथ एक दूसरे को खाकर एक दूसरे का खाना बनकर एक फूड चेन कैरी कर रहे हैं, एक फूड चेन बनती जा रही है। जैसे वी ह्यूमंस ईट प्लांट्स, ऐसे ही एनिमल्स जो छोटे वाले हैं वो पहले प्लांट को खा रहे हैं, दैट इज अ ग्रास, ग्रास ओवर, ग्रास ओवर ने ग्रास खाई, उसको आकर खा गया फ्रॉग, देन स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया एंड एन ईगल, ईगल ने आकर स्नेक को खा लिया। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरडिपेंडेंस इन इकोसिस्टम। इसका मतलब है इस इकोसिस्टम, इस एनवायरनमेंट में हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट्स डिपेंडेंट हैं सनलाइट पर, हम लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर, इवन एनिमल्स आर डिपेंडेंट आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन एनिमल्स। तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तभी सबका काम चल रहा है। सो दिस वॉज फॉर ऑल दिस चैप्टर एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर एंड आई होप यू आर डूइंग वेल विद योर नोटबुक्स। सो कम्प्लीट दिस चैप्टर एज वेल इन योर नोटबुक। क्वेश्चन एंड आंसर आर बीइंग अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड विद दिस एंड थैंक यू।